तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पावर बीआई। पावर बीआई की हमारी विजुलाइजेशन टूल्स में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पावर बीआई के अंदर हम विजुलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने डेटा भी इंपोर्ट किया है, मैंने डेटा हमने ला दिया। तो किससे शुरू करें? तो शुरुआत हम टॉप से नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे टेबल फॉर्मेट से, क्योंकि हमारी आदत जो है पिवट टेबल की लगी हुई है। करेक्ट है। तो पिवट टेबल में तो डायरेक्ट विजुलाइजेशन थोड़ी आता है सर। तो चलिए हम टेबल पे क्लिक करते हैं। दो टेबल हमारा है, पहला हमारा है डिटेल फॉर्मेट, दूसरा है मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो हम डिटेल फॉर्मेट में आते हैं पहले, तो टेबल फॉर्मेट डिटेल हम कर देते हैं ताकि आप समझ सके टेबल फॉर्मेट है आपका। जैसे कि मैंने यहां पे नेम लिया, राइट। नेम लेने के बाद मैंने यहां पे क्वांटिटी लिया, तो नेम और क्वांटिटी दोनों आपको यहां देखिए आ गया। ठीक है, अब इसमें दिक्कत आता है कि तो छोटा दिख रहा है, बड़ा कैसे दिखेगा? तो किसी भी रिपोर्ट में यहाँ आप जिसपे उस पर जाएंगे उस पर, तो यहाँ आपको फोकस मोड दिखेगा, दिख रहा है सर? फोकस मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे और भी चार्ट्स होंगे, सारे चार्ट्स को हटा देगा और सिर्फ यही आपका खुलेगा। मतलब वो रीडेबल व्यू में आ जाएगा। जी हाँ, मतलब तो आपका एक ही रिपोर्ट दिखेगा, बैक टू रिपोर्ट कीजिएगा तो आपस नॉर्मल आ जाएगा, राइट। ठीक है। लेकिन यहां हम इसको ऐसे ही बड़ा करना चाहते हैं, तो हर टेबल की एक फॉर्मेट होती है, हर टेबल की, हर विजुलाइजेशन की एक फॉर्मेट होती है जो कि यहां आपको साइड में दिखेगा। फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में एक तो जनरल फॉर्मेट आपका है, जनरल फॉर्मेट जो लेना चाहे ले सकते ये क्या होता है बेसिकली? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टेबल में हैं। थोड़ा काम टेबल की करता फॉर्मेटिंग कर रहे हैं जनरल फॉर्मेट में, कि इसका पोजीशन क्या है, वाई पोजीशन क्या है, कितना विड्थ है, कितना हाइट है, उसमें कर्सर आने पे क्या आएगा, वगैरह वगैरह। स्टाइल में हम अपना टेबल का स्टाइल चूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट है। यहाँ आपका डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट के अलावा यहाँ पे आप मिनिमम लीजिए तो कुछ इस तरह का आ जाएगा फॉर्मेट, बोल्ड बॉर्डर लीजिए, अल्टरनेटिव रो लीजिए। ठीक है अच्छा, सर, आएगा एक ही, दो नहीं आएंगे? अगर हाँ ये आए, मुझे बोल्ड बॉर्डर के साथ अल्टरनेटिव वो चाहिए तो वो नहीं आएगा? नहीं आए। हाँ उसका भी है उपाय, वो भी है, जैसे कि आपने यहाँ पे अल्टरनेटिव ले लिया, राइट। आप चाहते कि मेरा जो मेरा बॉर्डर बोल्ड हो जाए या फिर मेरा कलर चेंज हो जाए, तो स्टाइल चूज किया ना, उसके अलावा यहाँ पे और भी, जैसे ग्रिड, जैसे बॉर्डर है चाहिए, आपने बोला कि मुझे बॉर्डर चाहिए, तो एक तो यहाँ पे ग्रिड की कलर क्या है वो देख लीजिए। तो ग्रिड की जो कलर है वो यहाँ पे हमने ब्लैक ले लिया, फॉन्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, फोर कलर, फॉन्ट कलर रखा यहाँ पे, कॉलम इधर में पहुंच गया मैंने, माफ कीजिएगा, कॉलम इधर एक बार करता हूँ, व्हाइट था, व्हाइट मैं ग्रिड पे था, गलती से क्लिक हो गया। अब जैसे यहाँ पे वर्टिकल ग्रिड चाहिए तो रखिए, हॉरिजॉन्टल ग्रिड चाहिए तो रखिए, उसकी कलर ब्लैक होनी चाहिए, ब्लैक आ गया सर। इसकी साइज जो है अपने हिसाब से मैं बड़ा छोटा कर सकता, ये क्या बेसिकली क्या चेंज कर रहा है ग्रिड में? मैं वो बिल्कुल नहीं नहीं है कर। ग्रीड, मतलब कि बॉर्डर है, जो बॉर्डर दिख रहा है लाइन इंजेक्शन, अच्छा, बीच का सेपरेशन जो है बेसिकली हाँ बॉर्डर जो। ये बॉर्डर आपका नहीं दिख रहा है, कॉलम का जो सेपरेशन है मोटा हो गया, नहीं दिख रहा है ठीक आपको, है ठीक है ठीक है था ठीक नहीं है। इतना बड़ा, ब्लैक भी नहीं था। अब इसमें हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ग्रिड आप नहीं रखना चाहे से हटा सकते हो, या फिर यहाँ पे ऑफ ऑन करोगे तो आ जाएगा। अब इसकी कलर आपको ब्लैक करनी है, कोई और कलर करना है तो कोई और कलर हो जाएगा, उसकी थिकनेस बढ़ानी है तो थिकनेस बढ़ा सकता है, रो पैडिंग बढ़ानी है तो रो की पैडिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन कलर है वो यहाँ पे मैं ब्लैक करना चाहता हूँ तो ब्लैक हो जाएगा।
ठीक है सर। ठीक है ठीक ऐसे यहाँ पे कॉलम ही इधर जो कॉलम आपने बोला है, कॉलम इधर बोल्ड होना चाहिए ना, तो यहाँ पे अपना फॉन्ट चूज कर सकते हैं, अपना फॉन्ट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एरियल ब्लैक कर दिया, तो पूरे का ही हो फॉन्ट जाएगा कितना होना चाहिए, अलाइनमेंट ऑटो है, लेफ्ट है, सेंटर होना चाहिए, ठीक है ना, लैब टेक्स्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक मिनट। उसके बाद ये किस में आ रहा है ये बेसिकली? अच्छा फॉन्ट कलर में, लेकिन ये तो सबके ऊपर अप्लाई करेगा या सिर्फ हेडर और एक फुटर के कॉलम ऊपर अप्लाई हीडर है, करेगा? क्या है कॉलम हीडर, कॉलम अच्छा कॉलम हेडर, जो ठीक है ठीक हीडर है। है ना उस पे अप्लाई हो रहा है। जी अब जी इसकी जी फॉर्मेटिंग चेंज कर रहा है ना सर राहुल जी, जी उसको जी क्लिक करना होता है, जिस पे क्लिक करके फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे वही फॉर्मेटिंग होगा। ऐसे बैकग्राउंड ब्लैक है तो मुझे ब्लैक के जगह पर मान लीजिए कि मुझे ब्लू चाहिए, तो मैं ब्लू किया तो देखिए वो हेडिंग आपका ब्लू हो गया, ठीक ठीक है ठीक है सर। ऐसे आती बात आती वैल्यूज, वैल्यूज मतलब कि जो ये टोटल है ना इसकी बात कर रहे हैं, जो अमाउंट है, नेम लिखा हुआ, कलर ब्लैक है, ब्लैक की जगह पे मैं इसको कर देता हूँ पर्पल, ठीक है, या मैं कर देता हूँ इसकी इसके जगह पे रेड। तो ये अल्टरनेट हुआ क्योंकि अल्टरनेट अल्टरनेट है इसलिए आ रहा है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, कुछ और कर लीजिए, अल्टरनेटिव कलर क्या है ब्लैक है, अल्टरनेटिव बैकग्राउंड क्या चाहिए, अल्टरनेटिव कलर फॉन्ट कलर, मतलब कि हमें एक ही हुआ ना, यहाँ पे एक ही कलर किया है, अल्टरनेटिव सिलेक्ट था ना इसलिए। अब मैं बोलता हूँ कि दूसरा जो है वो हो जाए आपका ब्लू, ब्लू हो गया सर। उसकी बैकग्राउंड कुछ और होनी चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए, तो बैकग्राउंड व्हाइट है, यानी व्हाइट तो ऑलरेडी है ही, मान लीजिए ब्लैक कर दिया और फॉन्ट कलर व्हाइट कर दिया। कंडीशन फॉर्मेटिंग भी लेगा क्या इसमें कि लेस देन? जी हाँ अब बताते हैं, अभी अभी बताते हैं, वन बाय वन चलते हैं ना सर। जी उसके बाद वैल्यू की फॉर्मेटिंग हो गई, उसके बाद टोटल, टोटल मतलब जो नीचे की है ना उसको टोटल कहते हैं। हाँ जी अब टोटल की फॉर्मेटिंग, आपको टोटल चाहिए, आप नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हटा दीजिए तो हट जाएगा, चाहिए तो उसकी टोटल की जगह पे क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स क्वांटिटी, तो टोटल की जगह पे क्या होना चाहिए वो भी चेंज कर सकते हो, और उसकी फॉर्मेटिंग आपके सामने अपने हिसाब से जो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन था मेरा, अगर यहाँ पे मेरे जैसे क्वार्टर वन क्वार्टर टू की सेल्स होती तो एक टोटल तो मेरा नीचे आ गया, क्या एक टोटल मेरा फिर राइट साइड में भी आता वो क्वार्टर तो वन और मैट्रिक्स क्वार्टर फॉर्मेट में होगा, टेबल फॉर्मेट में नहीं होगा, वो टू? मैट्रिक्स अच्छा फॉर्मेट। अच्छा बस ये मतलब एक्सेल में हो जाता है ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ वो ये अलग है, ठीक है। उसके बाद फील्ड की फॉर्मेटिंग, जो फील्ड है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो बात आप कर रहे थे, तो यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको किस पे लगाना है, क्वांटिटी पे लगाना है, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करना है, क्या करना है आपको, डेटा बार करना है। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख गया, लेकिन इसने कुछ अपने हिसाब से लिया नहीं है, एडवांस कंट्रोल में जाएंगे तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आता है, और इसमें क्या ऑप्शन आता है अभी थोड़ी देर बताऊंगा, फिलहाल इसमें बताए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहीं पर है जो कंडीशन कंट्रोल के फीचर्स होते हैं, वही है, तो टाइटल है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर्स है, बॉर्डर की जो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, बॉर्डर हो गया, शैडो की प्रॉब्लम दे सकते हैं, शैडो कितना आना चाहिए, और टूल टू विजुलाइजेशन दो अलग चीजें होती है, ये आपको सबसे लास्ट में बताएंगे, इसको चिंता मत की। तो मोटा मोटी आपने फॉर्मेटिंग सीख लिया कि आप अपने टेबल को इंसर्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग क्या हो, राइट, समझे सर। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक अब टेबल के बाद जो दूसरा पार्ट आता होता है ना मैट्रिक्स का, तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, और जैसे मान लीजिए कि मैंने इसमें सिटी एरिया को ऐड कर दिया, ठीक है, एरिया ऐड हो जी गया सर। जी तो एरिया जो ऐड हुआ तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रिपीटेड हो गया ना सर, फिर यहाँ पे मैं सिटी ऐड कर देता हूँ मान लीजिए, तो ये देखिए रिपीटेड हो गया, समझे। अब सिटी का जगह मैं यहाँ पे नेम दे देता हूं, तो इस तरह से आपका आ गया,
लेकिन मुझे तो चाहिए रो एंड कॉलम फॉर्मेट में, तो उसके ऐसे मैट्रिक्स फॉर्मेट यूज करते हैं। मैट्रिक्स में हमने यहाँ पे नेम डाला और यहाँ कॉलम फील्ड दिख रहा है, कॉलम पे मैंने मान लीजिए एरिया डाल दिया और वैल्यूज के लिए हमने क्वांटिटी डाल दिया, जैसे कि हम पिवट टेबल में करते हैं। यही बोल रहे थे सर ना? हेलो राहुल जी। यस सर, मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली मेरा बेबी रो रहा है ना, वो इसलिए मैंने म्यूट पे कर रखा बार बार। हाँ यही बात कर रहा था। हाँ मैट्रिक्स फॉर्मेट में, और इसके अंदर भी आपका सेम जनरल है, स्टाइल है, ग्रीड है, हेडर है, दिख रहा है आपको सर? वैल्यूज है, सब टोटल्स है, नॉन टोटल्स है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, बैकग्राउंड जो भी आपको मैंने किया था सारा चीज इसमें भी अवेलेबल है, राइट जी। अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग हुई, इस फॉर्मेटिंग में आपकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी में आते हैं, जहां पे आप सम गए हुए, सम के जगह पे आप एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम जैसे पिवट टेबल में आप करते हैं, यहां पे आप कर सकते हैं। इसी के ऊपर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखेगा। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिकली यहाँ पे पांच टाइप है। पहला कि आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, दूसरा कि आप फॉन्ट कलर देना चाहते हैं, तीसरा डेटा बार देना चाहते हैं, चौथा कोई आइकन्स देना चाहते हैं, या पांचवा आप वेब यूआरएल देना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड कलर पे हम आएंगे तो क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख जाता है कि यहाँ पे कलर स्केल है, वैल्यूज ओनली पे लगेगा, वैल्यूज टोटल पे नहीं लगेगा, टोटल ओनली पे नहीं लगेगा। क्या सम ऑफ क्वांटिटी है, सम करना है, और यहाँ पे डिफॉल्ट एज ए जीरो क्वांटिटी। इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ, अगर डाइवर्जिंग करेंगे तो यहाँ तीन आएगा, मिनिमम, सेंटर, मैक्सिमम। अब यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट है, आप यहाँ पे कस्टम में जाएं और आप डाल दें कि 20, यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे कस्टम डाला 50, और नहीं 20 नहीं 2000 रहता, 2000 यहाँ पे आपका 2500, और यहाँ पे हाईएस्ट को भी कस्टम करते हैं यहाँ पे 3000, और तीनों का कलर डिफॉल्ट है, आप यहां से अपनी कलर चूज कर सकते हैं क्या चाहिए आप, राइट, एंड उसके ओके करते हैं। ओके करते ही उसके भी यहां पे देखिए ये आपका अप्लाई हो गया जो कंडीशन आपने चूज किया था। ओके अब यहां पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में आगे बढ़ते हैं। ये टोटल पे नहीं लगाएगा, एक मिनट, ये टोटल पे नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा टोटल में, क्योंकि हमने टोटल सिलेक्ट नहीं किया ना सर, हमने यहाँ क्या लिखा है, वैल्यूज ओनली। अगर आप वैल्यूज एंड टोटल करेंगे देन ओके कीजिएगा, देन टोटल भी लगाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे इसका यूज किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कलर स्केल है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम सिर्फ रूल्स ले लेते, तो रूल्स में यहाँ पे वैल्यूज एंड टोटल लगा हुआ है, सम ऑफ क्वांटिटी, सम करना है, और यहाँ पे आपको देना है कि इज ग्रेटर देन 2000 और यहाँ पे लेस देन 2500, और यहाँ यहाँ पे अपना सॉलिड कलर दे दीजिए, ठीक है। कलर में और सॉलिड कलर में क्या फर्क होता है? वो जो कलर था वो स्केल बना रहा था, तीन कंडीशन था ना आपके पास, मान लीजिए एक ही कंडीशन है, दो ही कंडीशन है। अच्छा, जीरो और वन की कंडीशन है बेसिकली, यस और नो, देन राइट सर, ठीक है। तो कंडीशनल वर्डिंग में इसका इस्तेमाल बैकग्राउंड कलर का होता है। अब फॉन्ट कलर तो पता ही आपको, फॉन्ट कलर में खास सेम चीजें हैं, बट कलर आपके फॉन्ट की कलर चेंज होगी, और यहाँ से स्केल के जगह पे रूल्स ले लीजिए या फिल ओनली ले लीजिए, उसे फिल में हमने क्वांटिटी ले लिया, क्वांटिटी में फिल ओनली जो है टेक्स्ट के लिए होता है, जैसे आप वैल्यू फिल हो रहा है ना, नाम करना चाहते हो नहीं, तो यहाँ पे हमने बेस्ड ऑन फील्ड में हमने ले लिया नेम,
एरिया आ गया, क्या करना पर यहाँ देता है आइडिया लिखने के लिए, फर्स्ट करना फ्लास करना है एंड ओके। एक मिनट इसमें देखता हूँ, फिल में लोग कुछ नहीं हो रहा सर, पता नहीं उसके लिए अकाउंटिंग डेटा नहीं, वो टैक्स को फिल्टर करता है। मैं एक बार इसमें रिसर्च करके बताऊंगा, इसके हिसाब से डेटा बना के ठीक है। ठीक है, फॉन्ट कलर पता ही है, डेटा बार्स जो भी हमने बार बनाया था, डेटा बार की इशू डेटा बार में हमने क्लिक कर दिया, लोएस्ट वैल्यू कस्टम, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू ऑटोमेटिक ले रहा है, अपना हिसाब से कस्टम दे सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना नेविगेशन कर सकते हैं ठीक है। ये बार दिख रहा है राइट, ये टेबल में बनाएगा ये या इसमें भी बना देगा ये? इस पे भी बना देंगे, एक बार इस पे बनाएंगे फिर मैट्रिक्स पे। अब यहाँ पे अब ले लीजिए अपने हिसाब से जो चीज लेना है, और यहाँ देखिए हम 100 बार ओनली, यहाँ पे 100 बार ओनली नहीं किया है, क्योंकि 100 बार ओनली करेंगे तो फिर आपका डेटा नहीं दिखेगा ठीक है सर। एक मिनट, 6 बार अगर कर देंगे तो डेटा नहीं दिखेगा? देखिए यहाँ पे बार डेटा नहीं दिख रहा है ना सर, क्योंकि हमने नहीं फिल्टर तो ऐसा नहीं होता कि नंबर भी दिखे और बार भी दिखे, क्योंकि आप तो इसको छोड़ नंबर दीजिए, 100 बार ओनली हटा हटा दीजिए, अब ओके कर, अब डेटा भी दिखेगा और बार भी दिखेगा, बार। अच्छा ये बार है, बैकग्राउंड कलर है ना इससे आपको नहीं दिख रहा होगा, एक दिखाता हूँ दूसरे टेबल, एक और नया टेबल लेता हूँ और इसका नेम दे दिया, यहाँ पे क्वांटिटी ठीक है, ठीक और इसको मैं शॉर्ट कर दिया ठीक है सर। और यहाँ पे हम जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स, और हमने बार चूज कर लिया, 100 बार वाली नहीं किया, अब यहाँ पे तो अपनी वैल्यू डालनी है तो अपनी वैल्यू डाल दीजिए, अदरवाइज देखा सर। अच्छा, और इसमें कलर फॉर्मेटिंग कैसे होगी? सॉरी, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग चूज करते समय जो हमने यहाँ चूज किया था उसमें आप अपने हिसाब से डेटा बार्स ले सकते हैं, अपने इसमें हिसाब से का ले सकते हैं। अच्छा नेगेटिव में आपका ये है, इन्होंने रेड डाली एक बार, नेगेटिव में रेड डाली, नेगेटिव बार। हाँ ये डाल दीजिए कोई नहीं। ओके, एक्सिस एक्सिस में क्या दिखाई दे? बॉर्डर होता है ठीक है, तो नेगेटिव दिखाया नहीं था। नेगेटिव वैल्यू होगा तो दिखाया अच्छा रहेगा नेगेटिव वैल्यू पे दिखाएगा ये, मतलब मुझे लगा कि लेस देन ग्रेटर देन पे दिखा रहा है। ठीक ठीक है। है, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हमें तीसरा डेटा बार हो गया, चौथा हमारा आता है आइकन्स, मैं रिमूव करता हूं। अब मैं यहां पे आइकन लगा, अब आइकन्स में यहाँ आपका रूल्स हो गया, यहाँ पे वैल्यू जो भी है आप बाकी जो इसे लगाते तो वही होगा,
अब यहाँ पे आपके कंडीशंस है कि किस कंडीशंस है, बाय डिफॉल्ट तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ले रहा है, बट आपके पास अपना भी कंडीशंस है, या फिर आप अपना लेना चाहते हैं कि मुझे इस तरह का ये चीजें चाहिए, ये आइकन चाहिए, या मान लीजिए मुझे ये आइकन चाहिए या नीचे वाला आइकन चाहिए, तो आप अपने हिसाब से उसको लगाइए और जस्ट ओके करिए। अच्छा, ये अपने हिसाब से इसने लगा दिया जो लैस वो थे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक बार रिमूव करता हूं, उसके बाद इसमें आता है आइकन्स पर वेब यूआरएल, ठीक है, वैल्यूज ओनली, और यहाँ पे हमने दे दिया बेस्ड ऑन क्वांटिटी, इसे नेम पे होगा, माफ कीजिए नहीं, फर्स्ट में वेब यूआरएल कैसे हो रहा है, सिटी जो मैंने यहाँ पे क्लिक करते आया था, मैं कंडीशन है यूआरएल देने का सर, ऐसा तो हुआ नहीं, और इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं, हाँ अभी और हो अभी और, मैं आपको बताऊंगा ठीक है क्या है, ठीक है। तो मैं इसमें दो चीज, क्योंकि मैं इसका यूज नहीं किया हूँ सर, जितना जरूरत पड़ता उतना यूज करता हूँ, झूठ क्यों बोलूँ सर, पर आपको देखा तो सिखा दूँ इस पर। तो बेसिकली हम लोग जो है जो यूज होता है वही सी आइकन यूज करते हैं, डेटा वाल यूज करते हैं, फॉन्ट वाल बहुत कम यूज होता है, बैकग्राउंड में ज्यादा यूज होता है। तो वेब यूआरएल और नेम के ऊपर जो हाईलाइट करते हैं ना, वो आपको मैं कल सर समझा दूंगा, ठीक है। तो आज हमने सीखा टेबल्स एंड मैट्रिक्स, इन दोनों के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए अलग अलग एंगल्स अलग अलग डेटा पे जी, कल की क्लास में फिर हम आपको ऊपर चार्ट शुरू करेंगे जी। सर मेरे को ना तो एक चीज चाहिए, आप मेरे को एक आईडी दे सकते हैं क्या, मतलब क्योंकि मेरा ये ऑफिस लैपटॉप है, इस पे मैं मतलब अपना मतलब हार्ड डिस्क नहीं कनेक्ट कर सकता डेटा सोर्स के लिए, तो अपने जो पर्सनल पे अगर मैं लॉगिन करके उस पे चला लूँ तो ठीक है। मैं कर दूंगा सर, आज तो नहीं कर पाऊंगा मैं कल। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कभी भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि जो मेरा वेबसाइट का जो पासवर्ड है ना सर, मैं हमेशा तो लॉगिन करता नहीं हूँ, वो पासवर्ड मैंने डायरी में लिख रखा था, वो डायरी वहाँ छूट गई है, मेरे घर पे छूट गई। अच्छा, अभी मैं पापा के घर पे हूँ। अच्छा, वहाँ मेरे अपने जो टाउन में घर है ना, वहाँ छूट गया। तो अब आप दिल्ली नहीं आओगे क्या? नहीं, पापा ने ऑफिस बना के दे दिया फर्स्ट क्लास। अच्छा, परमानेंटली वही शिफ्ट हो गए? अब देखिए, पापा ने मेरे लिए ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे गए हैं और मेरे लिए फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस बना दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिस अपना, तो मतलब अब आप अपना मतलब आपसे ऑफलाइन क्लासेस भी दे रहे हो? हाँ मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ अब आप वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी देंगे? ऑफलाइन क्लास नहीं होगा, क्लासेस तो ऑनलाइन ही होगी। अच्छा, बट उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं जब जहाँ बैठूंगा वहाँ पापा घर पे हैं, तो कोई वो बेसिकली उन्होंने आपको वहाँ शिफ्ट करने के लिए अपना वो सेटअप बना के दिया कि तुम्हें काम करना है कि यहीं से बैठ के करो। सर इस जो बनाया है उन्होंने, नीचे गैरेज है। अच्छा, पहले हमारे ट्रैक्टर्स थे, जीप थे, और मेरे खुद की गाड़ी भी है अभी, मैं कह रहा कि पहले थे तो दादाजी ने गैरेज बनाया था इसको। पापा ने इसी के ऊपर उन्होंने एक ऑफिस बना दिया, बाहर से फेंस कर दिया, बाहर से लोहे वाले सही लगा दी, हाँ मैं समझ गया, वो फेंस सब कर दिया, पूरा इंटरनेट सब लगवा दिया। और वो बोल रहे हैं कि अगर 5-10 लाख खर्चा करके मेरा बेटा मेरा वापस आ जा रहा है तो फिर क्या हाँ बस वही वही मैं कह रहा हूँ, 15 साल बाद बेटा घर पे आ गया। जिस दिन मैं इस ऑफिस में आया हूँ, उन्होंने घर पे अच्छा शानदार जो है ना भोज किया है अपने गाँव वाले।
हाँ समझ गया, वो तो सबसे क्या अच्छी खुशी क्या है, मतलब क्या बात है, कोई शादी तो कोई है नहीं, कोई श्राद्ध भी नहीं है गांव में, भोजी हुई शादी और श्राद्ध या फिर कोई पूजा, पापा ने ऐसे रखा तो सब लेकर अगला बेटा 17 साल बाद वापस आ गया। नहीं, वो अपना एक होता है क्रेज बेसिकली, वगैरह हमारा जो बच्चा जिसका मेरा वगैरह। बेटा है वो एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ननिहाल चला जाता है तो कुछ अजीब सा लगता है, कुछ मिसिंग सा लगता है घर। हम तो 17 साल से बाहर हैं। क्या ये है, ये सबके साथ है। सर, बिहार बिल्कुल। तो आप कहाँ पे हैं, बिहार मतलब? में मुजफ्फरपुर, अच्छा, मुजफ्फरपुर। यहाँ मंडे टू फ्राइडे मैं पापा के पास रहता हूँ, सैटरडे फ्राइडे को नाइट में निकलता हूँ, सैटरडे संडे वाइफ के साथ वहां रहता हूँ बाजार में, तो फिर वाइफ नहीं रहती क्या यहाँ पे? उसको भी इसलिए नहीं गया वो? क्या है रूरल एरिया यहाँ पे समझे, तो पहले यहाँ इंटरनेट नहीं, वगैरह, मुजफ्फरनगर तो सिटी है वैसे अच्छी खास। ये मुजफ्फरपुर सिटी है लेकिन मुजफ्फरपुर से 20 किलोमीटर पड़ता है, अच्छा, मुजफ्फरपुर ही डिस्ट्रिक्ट कहलाता है लेकिन रूरल एरिया है, तो यहाँ सब कुछ अभी हो गया है बट क्या ना स्कूल्स वगैरह बहुत दूर है थोड़ा सा, और मुझे छोड़ना पड़ेगा तो डेली मेरा 2 घंटा वेस्ट होगा, 2 क्लासेस छूट जाएगी मेरी पर डे स्कूल लाने और जाने में, तो वो तो है। वहीं पर रहते हैं वाइफ वगैरह, तो यहाँ भी स्कूल वगैरह खुलने वाले हैं, अच्छा एक स्कूल अभी तो काम चल रहा है तो हम बट देखते वाइफ ऐसे मान गई, 5 दिन अलग रहते हैं। जी। वाइफ ऐसे मान गई 5 दिन अलग रहते हैं। फिर घर पे रह रहा हूँ मैं, दोहे कहीं और थोड़ी रह रहा हूँ, कहाँ गया मैं, भी, फिर भी आजकल का जो देखिए वहाँ ये, देखिए हाँ ये है मेंटलिटी है, तो वहाँ मेरा क्या है वहाँ 2 BHK का है समझे, 2 BHK यहाँ पे है और वो भी रेंट पे है, और यहाँ पापा की करोड़ों का घर है, हवेली है, आप सही कह रहे हैं, बट मैं अगर आपकी जगह होता ना, तो मेरी वाइफ कहती कि जो काम वहां से हो सकता है वो यहाँ से भी हो सकता है, तो यहाँ रहो। ठीक है भाई। वो कहीं जा थोड़ा रहा है, जब वहां जाओगे तो वहां कर लेना, जब हाँ नहीं तो तो यहाँ बैठ मेरी के करो। वाइफ इस बात को समझती है, मैंने बोला कि मैंने उससे बोला कि मैंने दिल्ली छोड़ा है या मुजफ्फरपुर रहने के लिए तो ही छोड़ा है, गांव में रहने के लिए छोड़ा है ना, अगर मुझे गांव से मुझे अगर घर पे नहीं रहना है तो मैं मुजफ्फरपुर के रहूंगा, दिल्ली रहूंगा, आपके यहाँ समझ देहरादून जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं समझते। रहूंगा, कह रहा ना, आपके यहाँ समझ जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं समझते। बिल्कुल हाँ समझ ठीक है जाता सर, कल मिलते हैं। नहीं तो हुआ क्या ना, समझे हुआ क्या, जैसे कि पैसे की फाइनेंशियल जो हमारी जो ये होती है हमारे घर में क्या होता है ना कि जो भी पैसे के लेन देन जो भी होती है वो घर के मर्द ही रहते हैं, अच्छा हाँ, औरतों को जो सामान चाहिए मिल जाएगी, मतलब कि हमारे पापा तो नहीं करते, दादाजी करते, जो खिलाऊंगा खाना होगा, जो पहनाऊंगा पहनना होगा, जहां रखूंगा वहां रहना होगा, यहाँ पे नहीं चलता ये, यहाँ पे नहीं तो चलता हमने ये। वाइफ को बोला कि हम महीने का जो है ना आपको एकदम 10-15 हज़ार जो खर्च होता है वो आपको दे दीजिए, मैनेज कर लीजिएगा, तो कह रहा है मैनेज किया यहाँ पर जाएगा, नहीं चलता। क्या ना सबसे बिजी रखिए औरत को, बिजी रखिए मेरी वाइफ, मेरी भाभी जो है जो औरत टाइप की है जो होती है ना जो आप बोल रहे नहीं चलता, घरेलू घरेलू और मेरा वाइफ आया तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया वाइफ को स्टडी शुरू करवा दी, फिर भी सर नहीं ट्वेल्थ होता। ग्रेजुएशन करके, आप सुनिए ग्रेजुएशन करके आई, उसके बाद हर बार जो है कोई जैसे गवर्नमेंट की जॉब निकलती है उसका फॉर्म भरा देते हैं, कोई कंपटीशन में फॉर्म भरवा दिया, 1,000 2,000 खर्चा पड़ता भरवा दिया, किताब उताब ला के रख दिया, जहाँ वाइफ चुपचाप पर की डांट दिए यार एग्जाम सामने आ रहा है, किसी को मास्टर क्यों दिखा रहे, एग्जाम में पास करके दिखाओ ना, फेल कर जाएगा सब कह जाएगा फेल कर गया, फेल कर गया मान माइंड बताए वॉट, अजमाइन से बहुत काम आता है, मम्मी भी खुश, मम्मी भी खुश, कब तक चलाओगे इस उस पे? तो PhD करा रहा हूँ आपको मैं, अच्छा जी, चलो 4 साल मैंने और, 4 साल। मेरी शादी जब हुई थी तो आई मैंने 12th कर रखी थी राइट, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट था 12th कर रखी थी, 12th के बाद मैं खुद मैंने अपना पढ़ाई जैसे शुरू किया तो उसको भी शुरू किया, ग्रेजुएशन करवाया, उसके बाद PG करवाया, MPhil करवाया, देन मैंने उसको PhD के लिए दिया हुआ है,
साथ में जितने क्या होता? जॉब के फॉर्म निकले हेलो, सारे फॉर्म भरवाए हैं। हाँ ओके ओके, एसएसटी मतलब एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, बैंक का हो गया, मुझे पता है कि इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, बट भरो, तैयारी करो, लक साथ दे देगा, हो जाएगा। तो हाँ वो भी ठीक है, बिजी रहती है, मतलब उसको घर में बंद हो क्या करेगी, उसने कुछ तो चाहिए ना, और कंप्यूटर में उसको इंटरेस्ट नहीं है, सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं है उसको, सिस्टम सीख ले तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जो इंटरेस्ट नहीं है उसी में इंटरेस्ट करो। सिलाई के स्पेशली सिलाई के लिए मैंने कारीगर बुलवा दिया घर पे, घर पे आकर सिखा कर जाता था, सिलाई सिखाया, गुलगप्पा बनाने का सिखाना सीखना था तो उसको मैंने बोला 500 रुपये वो तो बोले को दिया, घर पे आकर उसको बनाना सिखा दिया। गुलगप्पे वाला तैयार नहीं हो रहा था सर, हाँ मैंने बोला कि मेरी वाइफ गुलगप्पा बनाना सिखा दो, वाइफ बाहर का खाना खाना पसंद नहीं करती, अच्छा गुलगप्पा उसके लिए फेवरेट है उसका, तो बोला कि भैया काहे सीख के भाभी को परेशान कीजिएगा, हम ही सिखा देंगे, 2 रुपया कम दीजिएगा, हमें पढ़ा दीजिएगा, हम ही खिला देंगे, 2 रुपया कम दीजिएगा, अरे सिखा दीजिए, बहुत बोला, 500 रुपया दिया, तब आगे 3 दिन आके सिखाया है। तो ऐसी छोटी मोटी इवेंट घर में करते रहिए, तो माइंड सिंपल सी बात है ना, माइंड को डाइवर्ट कीजिएगा ना तो हो जाएगा, कोई चीज का झटका एक बार मत दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल, धीरे 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 धीरे। जैसे मुझे अब टाउन से गांव आना है, वाइफ को लाना है, तो मैं डायरेक्ट नहीं लेके आ सकता, मैं बोलूंगा चलो कल घर रहते हैं, तो जैसे आपने बोला नहीं चलता वाला बात हो जाएगा, मैं अब मैं आ गया हूँ, मैं हफ्ते में बोला, मैंने बोला कि हफ्ते में पहले आया था 2 दिन के लिए, मैं सैटरडे संडे गाँव रहूंगा पापा के साथ रहूंगा, फिर सैटरडे संडे के बाद फोन किया कि यार सृष्टि यहीं पे, सृष्टि नानो वाइफ का, कुछ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए, दिन में फ्री रहता हूँ 1 बजे के बाद, तो बोले पढ़ाने के लिए से मैं हफ्ते में 5 दिन आ रहा, 2 दिन वहां पे आऊंगा, 2 दिन कुछ नहीं काम करूंगा, कंप्लीट टेस्ट जाएंगे, मूवी शूवी देखेंगे, बाहर खाना वाना खाएंगे, सही है, जाते 2 दिन जाते हैं, वाइफ को बाहर खाना खिला दिए, एक मूवी दिखा दिए, ठीक है, मूवी का खर्चा लगता नहीं है क्योंकि टिकट जो है कोई ना कोई हमको दे ही देता है, इसलिए किसी के कैश बैक हो जाता है, स्टूडेंट बहुत सारे पीवीआर के स्टूडेंट है हमारे, बाहर ले गया, कभी मोमोज खिलाया, कभी गोप्पा खिला दिया, कभी रात में डिनर कराया, छोटी मोटी होती है, समझ जाती है, खुश हो गई, अच्छा बात है, पहले से भी अच्छा, अब 5 दिन आ गया, अब मैं यहाँ पे रहूंगा, अब बेटा का एडमिशन जस्ट मैंने आसपास के स्कूल को, एक बार अच्छा स्कूल खुल रहा है, बहुत ही अच्छा स्कूल खुल रहा है, मेरे दोस्त का स्कूल है, ठीक है, और वो अप्रोच कर रहे हैं मेरी वाइफ को पढ़ाने के लिए, मेरी वाइफ पीएचडी कर रही है, उसको पीएचडी होल्डर चाहिए, बढ़िया, वाइफ का पीएचडी 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, डेढ़ साल में उसका स्कूल बन के तैयार हो जाएगा, इस बार बाढ़ में डूब गया था, इस कारण से काम स्लो चल रहा है, माटी मिट्टी दबा के और ऊंचा कर रहा है, वो पहले से ऊंचा किया था, 7 फीट ऊंचा किया था जमीन से, लेकिन वहां पे पानी घुस गया बाढ़ की, तो फिर और ऊंचा कर रहा है, 5 फीट और ऊंचा कर रहा है, तो इसलिए जो है टाइम लगेगा, तो बस उसने बोला है कि मुझे पीएचडी होल्डर चाहिए, क्योंकि पीएचडी होल्डर स्कूल के स्टेशन के लिए फायदेमंद चीज होती है, तो उसको आएगी बस उसको जॉब करा दो, बीएड हो जाएगी तो सरकारी नौकरी, और ऐसे भी बगल में हमारे पास इंटर कॉलेज है, मेरे पापा के दोस्त का इंटर कॉलेज है, तो पीएचडी अभी कंप्लीट होते ही मैं इंटर्नशिप के लिए बोल रहा था, अभी नहीं बोला, बेटा के एडमिशन में रुका हूँ, बस इंटर्नशिप में बोल ही रहा था, तो जॉब लगा दूंगा प्रोफेसर की, बस तो फिर और क्या है, बस एक बार इंटर्नशिप में बोलना भी नहीं पड़ेगा, खुद आएगी, गांव की जिंदगी से अच्छा जिंदगी कोई नहीं है सर, मॉर्निंग 5 बजे उठा हूँ, गया हूँ नहर पे, नहर पे टहल के आया हूँ, साथ में वहां से कमल के फूल होते हैं ना, जो तालाब है, 15-20 फूल तोड़ के लाया हूँ, मम्मी मस्त उसे उसका जो है मैंने की पकौड़ा बना रही है, पकौड़ा खाया हूँ, कमल का, हाँ जलकुंभी का बेकार होता है, जलकुंभी बोलते कमल बोलते, उसका बहुत फायदेमंद चीज होता है, पता नहीं, तो हम क्या करते हैं पानी में होता है, तो हम क्या करते हैं छोटी सी बांस के लगी लेके जाते हैं, आपको पकड़ के घींच ले, 8-10 घींच लिए हो गया काम,
बहुत अच्छा लगता है टेस्ट है, जलकुंभी को खाना चाहिए, जलकुंभी का खाना चाहिए आप हफ्ते माने कि साल में 2-3 बार जरूर खाइए। साथ में यहाँ पे अगस्त का फूल होता है, बहुत ही अच्छा फूल होता है अगस्त का, उसका भी खाना चाहिए, सब्जी पकौड़ा। उसके बाद मशरूम, क्लस्टर मशरूम का एक मिलेगा सूखा, ड्राई मिलेगा, सूखा वाला मिलेगा, सस्ता ही पड़ेगा, उसको उसकी सब्जी खाएगी ठंड के मौसम में। ये वो सब गर्म मशरूम होता नॉन वेज में आता है ना, मेरी वाइफ खाती है, है, मशरूम नॉनवेज में आती है। फंगस होती है ना वो नॉन वेज कैटेगरी उसमें आता है। नहीं मशरूम तो सर ये तो कुंभ ही होता है सर, ये पता तो नहीं, बट काई है क्या। मेरी वाइफ यही कहती है कि मशरूम जो होता है वो बेसिकली फंगस है, तो वो नॉन वेज कैटेगरी में आता है। वो बोले कि सांस भी डाले, तो 2 करोड़, एक बार सांस लेने में 2 करोड़ जीवाणु अंदर जाते हैं हाँ वो तो वही है ना, क्या। पता नहीं लेकिन गेसिंग मशरूम नॉन वेज एक बार कैटेगरी सांस लेने में। में 2 करोड़ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ एक बार जब सांस लेते हैं तो 2 करोड़ जीवाणु जाता अच्छा है, बिकॉज वो कैप्सूल खाते हैं उसमें व्हेल मछली की तेल होता है। नहीं वो दवाई तो देखो, वो दवाई के नाम पे कह के तो कुछ भी खा लो। मेरी वाइफ भी सेम है लेकिन उतना नहीं है, ठीक है मेरी वाइफ को बहुत, मतलब ना। खाने पीने में बहुत मशरूम परहेज का है ही, वो। हमारी वाइफ तो नॉनवेज खाती है, ऐसे नहीं खाती है, खाती है नॉनवेज, लेकिन वो ना मंगल नहीं खाना है, गुरुवार को नहीं खाना है, तो आज एकादशी है नहीं खाना है, आज पूर्णिमा है तो नहीं खाना है, आज फलाना फेस्टिवल वाला है ठिकाना फेस्टिवल। ऐसा मैं हूँ, वो तो मतलब गार्लिक। लेकिन मेरा क्या पता है, जब मूड हो तब खा ले, वाइफ को बताना नहीं है, बात करता नहीं लेकिन मेरा तो दोस्त को फोन करना है, मंगल तो है, मंगल तो है घर। दोस्त को फोन करना है कि यार स्विगी से ऑर्डर किया हूँ तो घर पे आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, बस दोनों को फोन पे खा लिए काम बता। घर पे वो आए वाइफ तो ने बोली खाना पूछा, तो 1-2 रोटी खा लिया, बोला पर क्या बनी है पेट में, तो आज नहीं खा, तबियत खराब, ऊपर से सर में मालिश चमपी अलग होगी। ये सब चीजें हम अपने ब्रदर है नवी, हमारे ब्रदर है, उनसे सीखा हूँ सब चीजें। हाँ आप उनका देखिए, उनके अंदर हर ऐप भरा हुआ है, हर ऐप भरा हुआ है, मजा लेकर आप उनकी वाइफ के सामने उसका से उनको एक बार एक भी शिकायत कर दीजिए, वाइफ मुंह नोच, वाइफ को बहुत खुश लगते हैं, बातों से खुश लगते हैं। हाँ कुछ बोलेंगे फलाना चीज खरीदना है तो मना नहीं करेगा, मैं मना नहीं करता, हाँ लेंगे लेंगे, हाँ जो बजट बनाते हैं बनाते बनाते। वही है ना, यहाँ पर ये सब नहीं सकता, यहाँ पर तो दीपावली, दीपावली में बोल रही है कि इस बार हम लोग गोल्ड क्वाइन लेंगे, हर साल सिल्वर लेते हैं, गोल्ड क्वाइन लेंगे। हाँ ठीक है बात है, देखते हैं जाते हैं। आप कह रही मार बहुत भीड़ भाड़ था, हम देख लिया यार गोल्ड क्वाइन उसके पास 14 कैरेट का था, वो भी अनरजिस्टर्ड था, हॉलमार्क था नहीं, इतना भीड़ था नहीं मिला चांदी भी आया, थोड़ा सा देखे ओरिजिनल गोल्ड कॉइन तो आपका 1.5 लाख से ऊपर का है, 10 ग्राम का वाला जो होगा। ये आपका 10 ग्राम का ये है, 55-52 हज़ार समथिंग में, 10 ग्राम का, 10 ग्राम का कितने का बताने आप? 52 हज़ार समथिंग का था। 10 ग्राम का गोल्ड कैसे जाएगा 52 हजार समथिंग का? 35 हजार तो गोल्ड ही है, क्या 35 के 35 हजार, 35 दिन 40 हजार तो गोल्ड ही है। पर वो तोला मतलब तो सॉरी, पर तोला 10 ग्राम हुए ना, हुआ 35 हज़ार का, नहीं 52 हज़ार के इंडिया में चल रहा है। 1 मिनट मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। 10 ग्राम, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो माय एक बैड। तोला 10 ग्राम ही होता है ना, वो मैं बिस्कुट, मैं 10 तोले का समझा रहा हूँ, बिस्कुट वाला इसमें साइज। तो 100 ग्राम की होती है। हाँ वो क्वीन क्वीन जो होता है 1 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है, हाँ वो हमारे यहाँ एक्चुअली होती वो है सौ गिन, ग्राम की ईंट होती है, आधे केजी और 1 केजी। हाँ मैंने तो बस ये मतलब अभी हम तो ब्रेड, बिस्कुट ब्रेड होती है ब्रेड, आधे बिस्कुट के 250 ग्राम तक की। नहीं पहुंचे हैं, 1-2 गोल्ड कॉइन लेके रखे हुए हैं, लेकिन सिल्वर कॉइन बहुत लेते हैं, सिल्वर कॉइन हर साल 2-3 लेते रहते लेकिन हैं, ठीक है वो बेकार, उनके भी सेल वैल्यू तो कुछ होती नहीं, 30% तो वैसे काट लेते। सिल्वर की ना, हाँ सिल्वर में भी अब आ गया ना, हॉलमार्क आ गया, 999 आ नहीं गया तो सिल्वर, हॉलमार्क कुछ नहीं होता सिल्वर पे, वो आप बेचने जाओगे 30% काटेगा ही काटेगा। बेचना किसको है। नहीं मैं 1% एक वो बता रहा हूँ कि हुआ क्या है कि मेरी मम्मी की जो शादी हुई थी ना, तो मम्मी को 1 घड़ा चांदी का कॉइन मिला। वो ऐसी एक मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं करता हूँ बात आपसे।
करता। हेलो, हाँ हाँ बोलिए।